Hello guys, welcome to Ask MBA. In this video, we will try to solve few questions based on quadratic equation using some shortcuts. So the concept you already know, which has been already taught before your 10th class or in 10th class. So the concept is nothing new to you. But CET mein iska direct 5 questions aata hai. That's why I'm trying to build up some shortcuts so that these 5 questions will be solved in less than 2 to 3 minutes. So this will be target for our today's lecture. So please try and stop the video and try to solve these 5 questions on your own and note down your time. Jitna time aapko lag raha hai. Iske baad ek baar ek concept samajhne ke baad, fir se isi concept se solve karo, shortcut se try karo, and then you see the time that now you are taking for that to solve entire 5 questions. ठीक है? तो let us start with simple equation, quadratic equation, जहाँ पे आपको degree power 2 रहेगा, that is what क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस हाईएस्ट डिग्री 2 रहता वहां पे. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 6. तो अप्रोच आपको सिंपल जो पता था वो ठीक है. कैसे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकाल के, वो तो हमारा बेसिक अप्रोच रहेगा. तो यहाँ पे हमें क्योंकि एमबीए सीटी अपीयरेंस के लिए आपको डायरेक्ट 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो 5 क्वेश्चन में आपको 5 मिनट अगर आप लगाओगे तो फिर आपका मतलब वाला नहीं है बात. तो यहाँ पे हमें करना है 5 क्वेश्चंस 203 मिनट में. तो कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे लगने वाला है. शॉर्टकट्स लगने के बाद आपको जो भी कंसेप्ट रहेगा वो हम क्लास में कराते हैं, आस्क एमबीए के जो भी रेगुलर क्लासेस होते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा. देखो लेट अस स्टार्ट. एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 6, जैसे आपको इक्वेशन दिखा इसमें का जो भी कॉन्स्टेंट है वो उठाना है आपको बाहर, 6 बाहर का, और एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट था, यहाँ पे 1 है, कुछ है नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू 6 इज 6. ठीक है, तो दोनों एक्स स्क्वायर को भी नहीं भूलना. एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे इक्वेशन है जहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 के साथ 14 आएगा. तो 6 को बाहर लिया, एक्स स्क्वायर के साथ भी जो भी था वो भी मान लो इसमें आ गया, 1 था इसलिए कुछ मैटर नहीं करेगा. फिर 6 मुझे बनाना है तो 6 के फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखेंगे. सो यू विल गेट 2 एंड 3 एज योर फैक्टर्स. सो नाउ इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइंस मुझे क्या बनाना है, 6 बनाना है. तो 2 और 3 से बनेगा, 2 इंटू 3 इज 6. नाउ यूजिंग दिस 2 फैक्टर्स I have to adjust this 5x using this 2 and 3. So, मुझे यहाँ पे माइनस 5x बनाना है, तो दोनों को मुझे माइनस साइन देना पड़ेगा, राइट? तभी जाके ये माइनस और माइनस माइनस 5x हो जाएगा. अब जब आपने यहाँ पे दोनों साइंस दिया है तो सेकेंड वाला फैक्टर जब ये आपका सेटिस्फाइड हो गया, माइनस 5x मिल गया आपको माइनस 2 एंड 3 से, तो आपको ये भी मिलना चाहिए प्लस 6. तो प्लस 6 करने के लिए जो मुझे माइनस और माइनस इंटू जब करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस 6 मिलने वाला है. तो ये आपका हो गया अभी तक फाइनल आंसर. तो जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन मिलने के बाद ये वाला वैल्यूज हमारा रिवर्स में जाता है इसका साइंस. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फाइनल आंसर लेंगे 2 एंड 3. इसका साइन रिवर्स कैसे करते हैं हम लोग, सो इसका साइन रिवर्स क्यों हुआ ये हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वो हमने रेगुलर लेक्चर्स में किया हुआ है. आप आस्क एमबीए की लेक्चर्स देख सकते हो. उसके बाद डायरेक्ट हमें कर रहे हैं एग्जाम में, तो ये वाला मेथड फॉलो करेंगे. क्या किया हमने, डायरेक्ट कॉन्स्टेंट उठाया, कॉन्स्टेंट के फैक्टर्स निकाले. फैक्टर्स निकालने के बाद फिर हम साइंस के बारे में सोच रहे हैं कि 5x कैसे बनाना है. तो 5x 2 और 3 से कैसे बनेगा, माइनस बनाना है तो दोनों को माइनस जाएगा, तो माइनस 2 माइनस 3 इज 5x. प्रोडक्ट भी आपका प्लस 6 हो रहा है. जब आपका ये फाइनल रूट्स मिला इसका चेंज करना है प्लस 2 एंड प्लस 3. लेस देन 5 सेकेंड का भी ये आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला, 5 सेकेंड से भी कम लगने वाला है. ठीक है, लेट्स गो फॉर सेकेंड वन. सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड मतलब यहाँ से स्टार्ट करते फर्स्ट से. तो जैसे मुझे इक्वेशन मिला माइनस 16x प्लस 48, तो 48 मुझे तो बनाना है, तो 48 बनाने के लिए 16 भी बनाना है मुझे. तो 48 के कौन से फैक्टर्स होगा जिसको यूज करके मैं 16 बना रहा हूँ. तो मुझे 4 से स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल 2 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि 16 बनाना है मुझे. तो 4 से अगर स्टार्ट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 12 4 12 48. ये हो गया. अब 4 इंटू 12 मुझे 48 मिल गया. माइनस 14 माइनस 16 बनाना है तो दोनों को माइनस जाएगा ना, माइनस 4 माइनस 12 इज माइनस 16 एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस 48. आपको मिल गया, दोनों का साइन भी मिल गया, चेंज कर दो इसे. फाइनल स्टेप क्या होगा, चेंज करने वाला प्लस 4 एंड 12, जहाँ पे आपको मिला आंसर मार्क कर देना. ठीक है, ये हो गया यहाँ पे सेकंड. फर्स्ट हो गया, सेकंड देख लो. सेकंड में क्या उठाना है आपको, 20 आपने उठाया. 20 को क्या करना है, स्प्लिट ऐसे करो जिसका प्लस माइनस 9 होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखेंगे. तो अभी मुझे मिलेगा 4 इंटू 5, तो 4 और 5 को लेके मैं 9 बना सकता हूँ. क्या बनाना मुझे, माइनस 9, तो दोनों को माइनस दे दूंगा. तो माइनस और माइनस, माइनस 9x हो रहा है और माइनस इंटू माइनस 20 हो रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है. फाइनल आंसर क्या होगा आपका, 5 एंड 4. ठीक है,
तो ये स्पीड से करना है आपको, तब जाके सीईटी का जो मैं बोल रहा हूँ शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब क्या होता है? शॉर्टकट मतलब होता है आपने कितने अच्छी सी उसकी प्रैक्टिस करी, कंसेप्ट कितना समझा, तब जाके आपका 2 से 3 मिनट होने वाला है। शॉर्टकट मतलब आपको कोई मैजिक तो नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, आपको टाइम पे काम करना है और स्पीड से करना है, तो कंसेप्ट आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिक करा जो वीडियोस में हुआ है मेरा, उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लेस देन 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस? देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, पता चलेगा कुछ आपने मिस किया होगा। अगर स्किप किया तो फिर समझ में नहीं आएगा कि आगे आगे जाना है मुझे। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, सेकंड हो गया आपका। थर्ड, थर्ड क्या उठाना है आपको? 63 उठा लिया। 63 से मुझे क्या बनाना है? 2x। तो ऐसे कुछ फैक्टर जिनका गैप 2 आना चाहिए, गैप या तो ऐड करके, तो क्या होगा? 7 ले लो, 9 ले लो, 9 7 का कितना होता है? 63 होता है। क्या बनाना है मुझे? +2 बनाना है। अब देखो यहाँ पे -63 चाहिए, यहाँ पे +2 चाहिए, माइनस करना है तो यहाँ पे दोनों में से एक तो माइनस देना होगा। अब नाउ दिस आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो हाउ दिस साइन कन्वर्जन वर्क्स। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस दोनों में से एक किसी को तो भी जाएगा, लेकिन किसे जाएगा? मुझे चाहिए +2। +2 चाहिए मतलब बड़े से मुझे छोटा निकालना पड़ेगा। +9 -7 हो गया आपका, माइनस इंटू प्लस, यह आपका आ गया प्लस हो गया, 9 में से 7 गया प्लस आ गया, एंड माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया, 63 हो गया। बस फाइनल से क्या होगा? इसका साइन चेंज कर दो, हो गया 7 का -7 का 7 हो जाएगा, +9 का -9 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड भी हो गया। फोर्थ क्या करना है मुझे? 15 बनाना है, 15 बनाना है। 15 के साथ कौन सा आएगा? 8x आएगा। तो 15 के पहले फैक्टर्स लिख लो, 5 and 3, देखने से पता चलेगा। तो 5 और 3 को लेके मुझे 8 बनाना है, राइट? तो 8x अगर मुझे बनाना है तो माइनस चाहिए, तो दोनों माइनस हो जाएगा। अब ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन माइनस और माइनस प्लस भी तो होना चाहिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस भी हो रहा है। हो गया आपका फाइनल आंसर, क्या होगा? +5 +3। सिंपल लग रहा है, इजी लग रहा है? प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आपको इजी लगेगा, इतने जल्दी पहले वीडियो में आपको इजी नहीं लगेगा। प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, अपने खुद से 5 इक्वेशंस ले लो, डाउनलोड करो या तो बुक से निकालो, लेकिन सॉल्व करो। लास्ट वाला कर लेते हैं। लास्ट वाला क्या है? 2x² - 7x - 14x। अभी बनाना था क्या मुझे? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कोएफिशिएंट था, यहाँ पे 1 था, इसलिए कुछ ले नहीं रहे थे। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 × 14। तो 2 × 14 विच इज 28। अभी 28 के फैक्टर्स मुझे लेना है, 14 के नहीं लेना है, 28 के फैक्टर्स लेना है। साइन वही रहेगा, प्लस आएगा तो यहाँ भी प्लस ही आने वाला है। तो 28 के मुझे फैक्टर चाहिए और मुझे 11 बनाना है। तो मुझे दिख रहा है कि 11 कैसे बनेगा, 4 और 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 7 28 बनाना, हो गया मेरा 28। उसके बाद मुझे चाहिए -11, तो माइनस कैसे बनेगा? दोनों को माइनस देना पड़ेगा ना, और माइनस इंटू माइनस प्लस भी हो रहा है आपका, दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, बस इसको एक बार चेंज कर लो, ये हो जाएगा आपका +4, ये हो जाएगा आपका +7। लेकिन यहाँ से क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो इसे वापस भी देना है डिवाइड करके। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? 4/2 is 2 एंड 7/2 विल रिमेन एज 7/2। दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन, फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्पीड सॉल्व करने का। क्वेश्चन आपका क्या होता है? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द गिवन कंडीशंस। ये आपका सीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब क्या होता है? आपको चेंज चेक करना है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y और x इज लेस देन इक्वल टू y और x इज लेस देन इक्वल टू y एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y और एक होता है x इक्वल टू y। तो ठीक है, तो दोनों रूट में जो मिला है, ये वाला दिख रहा है मुझे कि इससे ये छोटा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दूंगा x इज लेस देन y। तो आपका कौन सा बनेगा? सेकेंड वाला ऑप्शन। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मिलेंगे, सॉल्व करना है लेस देन 2 to 3 मिनट्स में। प्रैक्टिस करो, अच्छे से आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। ठीक है, प्रैक्टिस करो अच्छे से, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम गुड शॉर्टकट्स। टिल देन, थैंक यू।